अंकुर और कमाल का कुत्ता। एक दिन बाजार में 1 लाख का कुत्ता 10 रुपए में, लाखों कमाल, कौड़ियों के दाम। अब्दुल्ला, इस कुत्ते में 1 लाख की क्या बात है? कुत्ता बड़ा वफादार जानवर है, 24 घंटे घर की रखवाली करता है। मान लो घर में 1 लाख रुपए का सामान है, चोर आ जाते हैं, ये भोलू कुत्ता जान पर खेल कर सामान की चोरी होने से बचाएगा। बोलो, हुआ नहीं है अनमोल रतन? अब्दुल्ला, ये लो 10 रुपए, कुत्ता मेरा हुआ। और अंकुर भोलू को लेकर घर चल देता है। आओ भोलू, घर चलें। घर पहुंचने पर, अरे अंकुर, ये किसे पकड़ लाया? मम्मी, यह भोलू है, हमारे घर की रखवाली करेगा। यह होगा तो चोर घर के पास नहीं फटकेंगे। तभी उनके कानों से कुछ खाने की आवाज टकराती है। अरे, रसोई घर से आवाज आ रही है। मम्मी, भोलू घर को पहचान रहा होगा। मम्मी रसोई घर की ओर दौड़ लगाती है। जाकर देखूं। रसोई घर के अंदर, हाय राम, वह मेरे आलू के सारे पराठे खा गया। कमबख्त, निकलो मेरे घर से। मम्मी, तुम भी कमाल करती हो, कुत्ता हमने रखा है, पेट भरने क्या वह किसी दूसरे के घर जाएगा। भोलू बड़ा नाजुक मिजाज है, गुस्से में कहीं वह चला ना जाए, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। इतना कहकर अंकुर घर से बाहर दौड़ लगा देता है। कुछ दूरी पर, क्यों भाई, तुमने लंबे बालों वाला कोई कुत्ता तो नहीं देखा? नहीं, तुम जिसे ढूंढ रहे हो कहीं वह यह तो नहीं? हाँ, यही है मेरा भोलू। तो निकालो मेरे 30 रुपए, तुम्हारा कुत्ता मेरी मुर्गी चट कर गया है। वापस घर पहुंचकर, ओफो, ये भोलू सड़क से कीचड़ भरे पाव लाकर सीधा सोफे पर जा बैठा, हटाओ इसे यहाँ से। रात को, अंकुर बेटे, साथ वाले कमरे से खटपट की आवाजें आ रही हैं। मम्मी, सो जाओ, भोलू घर की चौकसी कर रहा है, कोई चोर आने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिर भी मैं जाकर देखूं तो सही। दूसरे कमरे में, हाय, चोर खिड़की के रास्ते भाग जाता है। ओह, घर वाले जाग गए। दूसरे दिन, अब्दुल्ला, संभालो इसे, तुम्हारा भोलू तुम्हें मुबारक, मर गए। मैंने अपने पैसे तो वापस नहीं मांगे, फिर तुम क्यों रो रहे हो? यह कमबख्त भोलू मेरे को भी कई नुकसान कर चुका है, इसी से पीछा छुड़ाकर मैंने चैन की सांस ली थी, मगर अब यह फिर से। इतना कहकर अब्दुल्ला भोलू के साथ अपने घर चल देता है। हैं?